नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत अस्त व्यस्त और अनहेल्दी है। हमारी रूटीन पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, क्योंकि हम बहुत देर से सो के उठते हैं और बहुत देर से सोने भी जाते हैं, और उठने के साथ हम चाय से शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत ही गलत कर रहे हैं तो हम स्वस्थ कैसे होंगे? हमें स्वस्थ रहने के लिए पक्षियों से सीखना पड़ेगा। आपने पक्षियों को देखा है? पशु पक्षी सभी सूर्योदय से पहले उठते हैं। उठ के सभी, जैसे पक्षी तो आकाश में उड़ने लग जाते हैं, चहचहाते हैं, ये उनकी एक तरह से एक्सरसाइज है। उसी दौरान वो अपना आहार ढूंढते हैं, और पशु भी ऐसे ही हैं। घर में तो बांध के रखेंगे तो क्या करेंगे, वरना वो भी स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। और वो लोग दिन भर काम भी करते हैं, पक्षी तो काम करते ही हैं, अपने बच्चों को खाना ले जाके खिलाते हैं, घर बनाते हैं, आहार ढूंढते हैं, लगातार वो भी भाग दौड़ करते हैं। वो कमाने नहीं जा सकते, हमें तो कमाने जाना है, लेकिन उन्हें नहीं जाना है, लेकिन वो मेहनत तो करते हैं ना, तभी उनको भी आहार मिलता है। और शाम को वो जल्दी आते हैं खाना खा पी के, यानी शाम का खाना वो सूर्यास्त से पहले पूरा कर लेते हैं, पशु पक्षी सभी, और अपने घर को लौट आते हैं। हाँ, हम नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर हम बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं तो हमें तो काम करना है, लेकिन हम कुछ बातें तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपको एक डेली हेल्दी रूटीन को बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और करें, जिससे कि आप रोग से मुक्त रह सकें, और रोग हो गए हैं तो उनको भी कंट्रोल करते हुए ठीक की तरफ बढ़े। तो एक तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है, बहुत जल्दी नहीं तो 5 बजे तो उठ ही सकते हैं, 5, 5:30। अभी सर्दी है तो 6:45 है, इस टाइम तक उठ जाए। और दिन की शुरुआत आप अगर अल्सर के मरीज नहीं है तो अग्निसार क्रिया से करें। अग्निसार का अभ्यास आपके डाइजेशन को दिन भर हेल्दी रखेगा। सीख सकते हैं, मेरे वीडियो अग्निसार क्रिया के ऊपर ही है। उसके बाद आप पानी, अगर फ्रेश होने जाना है तो पहले फ्रेश होने जाएं, फिर अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। उसके पश्चात आप पानी पिए 2 से 4 गिलास, वो भी गर्म गुनगुना यानी, और नींबू डाला हुआ अगर सूट करता है। उस पानी को पिए, पानी पीने के बाद आप भी एक्सरसाइज करें पक्षियों की तरह, क्योंकि हमारा शरीर एक्सरसाइज की, हमारे शरीर को जरूरत है। रक्त का संचार अच्छी तरह होता है। अगर यौगिक अभ्यास अपनाते हैं तो ये आपके मन मस्तिष्क को भी स्वस्थ और हेल्दी रखेगा। मैं तो सूर्य नमस्कार, कुछ भी नहीं हो तो आप सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़े से प्राणायाम कर लें, और उसके पश्चात आप अगर नहाने जाते हैं तो नहाइए। नहा धो के आप ब्रेकफास्ट करिए, जिसमें सबसे पहले, अगर चाय की आदत अगर आप पहले लेते हैं तो चाय अलाउ नहीं करोगे, उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले लें, नट्स ले लें। अपने अपने रोग के अनुसार आपको क्या लेना है ये तो डॉक्टर बता देता है, तो आप नट्स ले लें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ले लें, सीड्स ले सकते हैं, और इस तरह कुछ चीज़ पहले ले लें, उसके बाद ही आप चाय लें। और चाय ना लेना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन टी ले लें। और अब इसके बाद आप अपना नहा धो के चाय, तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स सबसे अच्छी चीज़ है, स्प्राउट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लें आप, वो भी सीजनल हो, क्योंकि हमारे शरीर को सभी को फ्रूट्स या
स्प्राउट्स की जरूरत है। इनके अंदर इतने हेल्दी विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारा शरीर इनसे हेल्दी रहेगा। और इसके साथ में अगर आपको जूस लेना है तो वेजिटेबल जूस ले लें। मैं फ्रूट जूस की रिकमेंड नहीं करती हूँ, ज़्यादा अच्छा फ्रूट्स खाना। वेजिटेबल का जूस भी ले सकते हैं स्प्राउट्स के साथ आप, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फ्रूट्स के साथ आप दही ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अब उसके बाद मैं अनाज, अगर फैट लॉस करना है तो मैं कोई कुक्ड फूड नहीं अलाउ करती हूँ और ना मैं चाहती हूँ। कभी कदा खाते हैं तो कुछ बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ लेने के बाद ही, कम से कम फ्रूट्स लेने के बाद ही आप ले लें। जो भी आपको, अगर आपका मन है तो वीक में एक आध दिन कुछ भी कुक्ड लेने का, पोहा उपमा इडली ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं। अब 12 बजे पर करीब एक सलाद की प्लेट भरी हुई, वो भी सीजनल सलाद खाएं 12:30। जैसे जिस टाइम आप लंच लेते हैं उसके कम से कम 1.5 घंटा पहले आप सलाद की प्लेट ले लें, और उसके बाद 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप अपना लंच ले सकते हैं। लंच में आपके थाली के अंदर दही जरूर हो या रायता हो, और उसके साथ में दाल हो, गेहूं की रोटी की जगह अगर आप मिलेट्स लेते हैं यानी बाजरा, ज्वार, रागी और जौ ऐसा कुछ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ पाए जाते हैं प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, वो आपके बॉडी को, आयरन कैल्शियम, ये आपकी बॉडी को बहुत फिट रखेंगे। कभी कभी गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं, मिक्स अनाज की भी रोटी खा सकते हैं। तो दाल रोटी दही या रायता और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर हो थाली में, जरूर हो। उसके साथ आप कोई और सब्जी भी लेना चाहें तो ले लें, पर थाली जितनी सिंपल होगी आपके पेट को पचाने में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। या केवल दाल चावल लेना चाहें तो दाल चावल सब्जी ले सकते हैं, या खिचड़ी और दही और सब्जी भी ले सकते हैं लंच में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर सारी चीज़ एक साथ ना मिलाएं। और अब लंच के भी बाद, लंच के साथ अगर आपको पानी की आदत है तो पानी नहीं, पानी या तो 40 मिनट पहले लें या 1 घंटे बाद लें। पानी की जगह आप लंच के साथ छाछ ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। कुछ लोगों को लिक्विड लेने की साथ में आदत है तो आप ऐसा कुछ ले लें। अब आप शाम को 5 बजे के करीब फिर से भूख लगेगी, तो उस समय आप अपने, जैसे सुबह जो भी कुछ लिया हो फ्रूट्स या स्प्राउट्स, उसकी दूसरी चीज़ शाम को ले लें। अगर आपको ये सब लेने का मन नहीं है तो स्नैक्स में बॉइल्ड ये ले लें, काले चने ले लें, छोले ले लें प्याज टमाटर डाल के, कुछ हेल्दी स्नैक्स लें, मखाने ले लें भुने चने में प्याज वगैरह डाल के, टमाटर डाल के एक चाट जैसी बना के ले सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ हेल्दी ले लें। और फिर शाम को, अगर आपको रात को खाने में देर होती है तो रात में खाना ना खा के आप इस समय रोटी और सब्जी भी खा सकते हैं, ताकि आपको रात में रोटी की ज़रूरत ना लगे। रात में फिर जा करके आप सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, भुना चना, मखाने, ऐसी हल्की चीज़ें ले लें कि आपका तृप्ति भी मिले, कि आपको ये भी नहीं लगे कि मैं भूखा हूँ, और साथ में आपका पेट भरा रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन वो भी खाना 9 बजे के पहले ऐसी चीज़ भी हो जानी चाहिए 8:30 तक। और रात में सोते समय आप दूध ले सकते हैं। और पानी दिन में, गर्मी के दिनों में तो 3 से 4 लीटर है कुछ भी लिक्विड मिला करके, और सर्दियों के दिन में 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर तो जरूर होना चाहिए,
क्योंकि जो लिक्विड है हमारा शरीर में 80% तो पानी ही है, और पानी को सिप करके पिए। जो लोग गटर गट पीते हैं वो गलत तरीका है, वो आपका पानी आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन की समस्या दे देगा। पानी बहुत कभी भी ठंडा ना पिए, पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो, वही पानी अच्छा है। अगर वेट लॉस करना है तो आप गर्म पानी पिए, तो गर्म पानी बहुत जल्दी वेट लॉस करेगा। ये एक बहुत हेल्दी रूटीन है जो आपको रोगों से तो मुक्त रखेगी। अगर रोग है तो उन्हें कंट्रोल करते हुए ठीक करने का प्रयास होगा इसमें। तो जो मैंने आपको बताया कि आप जो आहार है, आप दिन में 2 बार दही भी ले सकते हैं, जैसे सुबह और दोपहर को, शाम को नहीं लेना। बाकी आपको फल, सलाद, सब्जियां, इनका ही प्रयोग अधिक करना है। इन चीजों के प्रयोग से आप निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ, तरोताजा, और रात में सोने से पहले अगर एक शवासन का अभ्यास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जब आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को बहुत तरोताजा पाएंगे और अधिक काम कर सकेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे इस लाइफ स्टाइल को अपनाकर। आपको लगेगा कि आप क्या है लाइफ, लेकिन आप अपना के देखिए, निश्चित रूप से आप हर दिन की बजाय अधिक तो काम करेंगे और बहुत हेल्दी फील करेंगे। तो मेरी जो आज मैंने जो बातें बताई है, मैं तो स्वयं पालन करती ही हूँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस लाइफ स्टाइल को अगर फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो मेरा वीडियो अपने और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ आपको कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।